हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्लीपी क्लासेस इन योर फ्यू मिनट सीरीज अब आज का जो मुद्दा है बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहा है बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहा है बट द रिक्वायरमेंट इज़ कि इससे जुड़ी हम एग्जाम से रिलेटेड क्या चीज़ें निकालें राइट एज पीपल हु आर स्टार्टिंग टू बी ब्यूरोक्रैट्स हु आर स्टार्टिंग टू जॉइन द सिविल सर्विसेज रादर देन लुकिंग एट द पोलिटिस इशू हमने उसको इंटरलिंक करना है टू थिंग्स जो कि पूछी जा सकती है इन द एग्जाम फ्रॉम बोथ एंड मीन्स पर ठीक है तो हमारा काम यही होने वाला है कि किस तरह के हम इंटरलिंकेजेस एज वेल एज एसोसिएशन विथ सर्टेन स्टैटिक एंड एनालिटिकल कॉन्सेप्ट्स जॉक कर सकते हैं जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होंगे राइट तो इसी के चलते हुए हम कुछ टॉपिक्स के ऊपर नज़र डालेंगे सबसे पहले ऑब्वियसली एक बैकग्राउंड ऑफ़ द इशू है वो आपको पता होना चाहिए नेक्स्ट कौन से आर्टिकल्स पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है जिनके साथ ही रिलेटेड है फिर वेरी इंपॉर्टेंटली इस डिबेट के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रीन जुड़ी है विच इज़ योर इसेंशल रिलीजियस पैक्ट प्रैक्टिस डॉक्ट्रीन तो ये डॉक्ट्रीन क्या है क्या इशूज है क्या क्रिटिसिज्म है क्या वे अड हो सकता है विद दिस डॉक्ट्रीन एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट द इशू विद रिगार्ड टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द यूनिफॉर्म सिविल राइट नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि मल्टीपल जगहों पे आपकी हेल्प करेगा सबसे पहले तो बट ऑब्वियसली जीएसटू के अंदर पॉलिटी एंड गवर्नेंस के इश्यूज के अंदर दिस कैन बी अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इसी के साथ साथ ऐसे स्पेशली अगर कोई भी ऐसे कंसर्निंग इंडियन सोसाइटी एनी इशूज

लेक्चर में जो कॉन्वर्सेशन हो रही हैं, पर्टिकुलरली जो स्कॉलर्स का नाम यूज किया जा रहा है जो कुछ पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स का नाम यूज किया जा रहा है उनके व्यूज़ तो आपका जो आईजीपी वाला पार्ट है उसके लिए काफी ज्यादा रेलिवेंट होगा ठीक है तो ये एक ऐसा इशू है जिसपे मल्टीपल जगहों पे मल्टीपल पेपर्स के अंदर फॉर यूपीएससी इट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है तो उसको मद्देनजर रखते हुए आपने अपनी प्रिपरेशन करनी है अगर आप जीएस टू के लिए कर रहे हैं तो जो आर्ग्यूमेंट्स में दे रही हूं आपने उन पर फोकस करना है अगर पी एस आई आर ऑप्शन है आपका तो आपने जो एसोसिएटेड नाम है स्कॉलर्स एंड पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स के उनको भी याद रखना है अगर आप एसए के लिए कर रहे हैं तो मेन डिबेट क्या है एग्जाम्पल क्या है एग्जाम्पल्स अक्रॉस दी एस टू हो पी एस आई आर हो एस एथिक्स हो, के अंदर आप examples जो है है कर सकते हैं ठीक तो ओवरऑल ऐसे इश्यूज जो है यूपीएसई से इन नॉन मैनर आपने उठा के यूज

which is for rupees 21,000. अगर आप इसका हिस्सा हैं जहाँ पे आपको कंप्लीट वीडियोस मिल रही हैं डाउट रेजोल्यूशन मिल रहा है आंसर राइटिंग मिल रही है टेस्ट्स मिल रहे हैं इसके अलावा आपको ये कोर्स भी जो है वो मिलेगा जहाँ पे कंप्लीट करंट अफेयर्स की मंथली कवरेज होगी ताकि आप स्टैटिक लेक्चर्स के साथ साथ मंथली जो करंट अफेयर्स हैं उनको भी कवर करते रहे बिकॉज़ पोलिटिकल साइंस ऑप्शनल के लिए ये बहुत बहुत ज़्यादा क्रूशल है ठीक है साथ ही साथ में अपार्ट फ्रॉम दो स्टूडेंट हैं ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अपना स्टैटिक सिलेबस ऑलरेडी प्रिपेयर किया हुआ है राइट right? और वो स्टैटिक सिलेबस को दोबारा खुद ही रिवाइज कर सकते हैं बट क्योंकि पॉलसाइन से कितना डायनामिक ऑप्शनल है उनको करंट अफेयर्स कवरेज के अंदर हेल्प चाहिए दिस कोर्स इज स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर ठीक है तो अब क्या क्या ऑफरिंग्स है इस कोर्स में सबसे पहले तो जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है कीपिंग इन माइंड दी ऑप्शनल तो उनको ये कवर करेगा फ्रॉम जनवरी 2022 से लेके अगस्त 2023 तक तो जितने भी इंपॉर्टेंट मुद्दे आते हैं पर्ल साइंस के ऑप्शनल को मद्देनजर रखते हुए ये उनको कवर करेगा देन दे विल बी मंथली लेक्चर मतलब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फेब में आपको जनवरी के जो करंट अफेयर्स का एनालिसिस है वो मिल जाएगा सो वंस अ मंथ ये ड्रॉप होंगे एन इंटायर सेट ऑफ लेक्चर्स राइट सो ऑल दी इश्यूज जिनको डिवाइड कर दिया जाएगा पेपर वन सेक्शन ए एंड बी में एंड देन पेपर टू सेक्शन ए एंड बी में तो आपको भी पता हो कि कौन से एरिया ऑफ सिलेबस के साथ आपने इंटरकनेक्ट करना है पर्टिकुलर इशू को ठीक है अराउंड थ्री टू सिक्स आवर्स डिपेंडिंग कि उस महीने कितने ज्यादा इशूज आए हैं राइट उतना जो है आपको लेक्चर्स मिलेंगे कवरिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वेरी इंपॉर्टेंटली इन करंट करंट अफेयर्स के अंदर वी विल बी इंटरलिंकिंग जो PSI और ऑप्शनल का मेन चीज है अफेयर्स तो आप कहीं पर भी पढ़ लीजिए बट ऑप्शनल के अंदर आपने क्या सीखना है किस तरह से आप इंटरलिंक करते हैं इनको स्टैटिक पार्ट एज वेल एज थियोरेटिकल आर्ग्यूमेंट्स के साथ राइट सो अगर रशिया यूक्रेन का इशू हो रहा है रियलिज्म की या गेम थ्योरी की आप कौन कौन सी चीजों

कोई ओ आर एफ का इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया विद दैट इशू जो आप पढ़ सकते हैं कोई ईपीडब्ल्यू का आर्टिकल आया राइट इवन दो देवर्ड इन लेक्चर बट अगर आप चाहें आप उनको भी पढ़ सकते हैं वो भी इन सर्टेन एरियाज दे दिए जाएंगे ओनली वेर रिक्वायर्ड नॉट अदरवाइज ठीक है ये कोर्स जो है बहुत ही किफायती रखा गया है अगर आप मार्च 15 तक इसको खरीदते हैं इट विल बी फॉर रुपीज सिक्स थाउजेंड ओनली बिकॉज टिल फेब ट्वेंटी एथ ट्वेंटी एथ फेफ तक तो अगर आप कोई भी कोर्स ले रहे हैं तो आपको रुपीज़ वन थाउजेंड का डिस्काउंट मिल रहा है राइट right? मतलब अगर आप पी एस आई के भी कोर्सेज ले रहे हैं कंप्लीट कंटेंट वो आपको फोर्टीन में मिल जाएगा एंड मेंटरशिप आपको ट्वेंटी में एंड ये जो पी एस आई का करंट अफेयर्स का कोर्स है विच इज़ प्राइस एट रुपीज सेवन थाउजेंड ये आपको सिक्स थाउजेंड रुपीज़ का जो है मिल जाएगा बट इसके लिए वी आर एक्सटेंडिंग दिस डिस्काउंट अप टिल फिफ्टीन मार्च राइट सो आपकी कवरेज ऑफ ऑप्शनल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है राइट नाउ लेट्स क्विकली मूव ऑन अब ये इशू क्या है ये हिजाब का इशू जो है कर्नाटका के अंदर मेजर कॉन्ट्रवर्सी उठी जहाँ पे प्री यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी के कुछ इंस्टीट्यूशंस में विमेन पर्टिकुलरली आपकी जो मुस्लिम विमेन है मुस्लिम गर्ल स्टूडेंट्स हैं उनको यूनिवर्सिटी प्रमाइसिस में अंदर आने से रोक दिया गया बिकॉज ऑफ द इशू ऑफ हिजाब राइट अब अलॉट ऑफ गर्ल्स अ पिटिशन इन द कर्नाटका हाई कोर्ट आ कि हिजाब जो है उनकी फेथ का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है और एक इनोसेंट प्रैक्टिस है रादर देन सम फंडामेंटलिस्ट और जिंगुइस्टिक प्रैक्टिस एंड देयरफॉर बिकॉज इट इज समथिंग सो इसेंशियल एंड इनोसेंट ये आर्टिकल 25 जो कि हमारी Part 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट के साथ जो डील करती है उसका एक हिस्सा हो सकता है ऑन दी कर्नाटका गवर्नमेंट एज वेल एज एडवोकेट जनरल ऑफ कर्नाटका इन्होंने हाईकोर्ट में आर्ग्यू किया है कि हिजाब का डालना इज नॉट अ पार्ट ऑफ एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस जो कि प्रोटेक्टेड है अंडर आर्टिकल ट्वेंटी अब इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमें क्या क्या पता होना चाहिए दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट सबसे पहले इज द आइडिया ऑफ आर्टिकल 25 जो कि पार्ट थ्री ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आता है राइट नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली बेरिंग इन माइंड कि इंडियन डाइवर्सिटी एंड इंडियन जो सेक्युलरिज्म है इंडियन सेक्युलरिज्म क्या है हम कहते हैं एक पॉजिटिव मोड है एक पॉजिटिव फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म है विच इज डिफरशिएटेड फ्रॉम द यूरोपियन फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म यूरोपियन फॉर्म ऑफ सेकुलरिज्म क्या है नेगेटिव सेक्युलरिज्म है विच इज बेस्ड ऑन अ कंप्लीट डिफरेंस कंप्लीट बाइफकेशन कंप्लीट सेपरेशन बिटवीन द प्राइवेट एंड द पब्लिक स्पेस बिट्वीन द गवर्मेंट एंड द पर्सनल आपके अफेयर्स जो चल रहे होते हैं कंसर्निंग रिलीजन एट्सेट्रा ऑन द अदर हैंड इंडिया में पर्टिकुलरली वेरियस थिंकर्स इंक्लूडिंग गांधी जी ने एक पॉइंट आगे रखा था कि इंडियन सोसाइटी जो है डीपली रिलीजियस है डीपली स्पिरिचुअल है सो टू टेक आउट रिलीजन फ्रॉम द इंडियन सोसाइटी इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल सो दैट इज़ वाई इंडिया के अंदर जो सेक्युलरिज्म का आइडिया है इट इज़ अ वेरी डिफरेंट पैक्यूलियर वेरी इंडिजिनियस वेराइटी ऑफ सेक्युलरिज्म जो कि बेस्ड है ऑन टॉलरेंस जो कि बेस्ड है ऑन सेलिब्रेशन ऑफ डाइवर्सिटी एंड एंशोरिंग यूनिटी इन डाइवर्सिटी एंड एट द सेम टाइम इंश्योरिंग गवर्नमेंट जो है कुछ रिफॉर्म्स भी लेके आती रहे इन सर्टन एरियाज जहाँ पर रिलीजन ऑप्रेस कर रहा होता है किसी भी मेम्बर ऑफ कम्युनिटी को राइट नाउ कीपिंग दिस पॉइंट ऑफ व्यू आर्टिकल 25 इस फ्रीडम ऑफ रिलीजन के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल साबित होता है अब आर्टिकल 25 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रोवाइड करता है ये प्रोवाइड करता है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस कॉन्शियंस क्या है कॉन्शियंस है मेरी अंदरूनी आत्मा एंड बेसिकली यहाँ पे फ्रीडम

ठीक है तो ये जो फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस है ये मुझे ग्रांट करती है सबसे पहले फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन तो मैं प्रोफेस कर सकती हूं मेरे पास कंप्लीट फ्रीडम है टू प्रोफेस विच फ़ेथ आई बिलोंग टू किस चीज़ों में मैं विश्वास रखती हूँ किस भगवान में विश्वास रखती हूँ उनके साथ जुड़े कुछ ट्रेडिशंस एक्सेट्रा उन चीज़ों के साथ जो है मैं बातचीत कर सकती हूँ देन वेरी इंपॉर्टेंटली ये जो इन्वर्ड फेथ है उसके कुछ एक्सटर्नल प्रैक्टिस भी होती हैं तो यहाँ पर मुझे फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस भी अलाउड है जहाँ पे से अगर मैं क्रिश्चन हूँ मैं अपनी फेथ को दिखाने के लिए या उसको एक्सप्रेस करने के लिए कुछ प्रैक्टिस फॉलो कर सकती हूँ मैं चर्च जा सकती हूँ सिमिलरली अगर मैं हिंदू हूँ मैं इस्लाम हूँ उनसे जुड़ी उन प्रैक्टिस को भी करने की मेरे पास फ्रीडम है लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेरे पास फ्रीडम ऑफ प्रॉपोगेशन ऑफ रिलीजन भी है जहां पे मैं बात कर सकती हूँ दूसरों के साथ प्रोपोगेट कर सकती हूँ अपने रिलीजियस वैल्यूज़ को उन ट्रेडिशंस को उन कुछ बिलीव्स को जो कि मेरे लिए बहुत प्रेशियस हैं However, much like other fundamental rights, even Article Fifteen is not an absolute right, and that is what makes fundamental rights so important and I am the difference between liberty and freedom liberty jo hai, very importantly comes attached with certain limitations, right the fact that ye license. कि आपका जो मन में आए आप करें ना ही ये अनरिस्ट्रेंड फ्रीडम है जहां पे मेरे पास कंप्लीट फ्रीडम है टू डू एज आई प्लीज बट कोई मेरे पास प्रोटेक्शन नहीं है कोई मेरे पास सपोर्ट सिस्टम नहीं है लिबर्टी जहा पे मैं किसी और की लिबर्टी पे इंफ्रेंज ना करूं साथ ही साथ में support system, support कि अगर कोई मेरी लिबर्टी को इनफ्रेंच करता है तो देर इज एक्सटर्नल बॉडी लाइक अ गवर्नमेंट सिटिंग जो कि मेरी लिबर्टी को प्रोटेक्ट करेगी मेरे लिए तो इसी के चलते हुए देर आर सर्टन लिमिटेशन जो की आर्टिकल ट्वेंटी फाइव के साथ एसोसिएटेड है दैट इज के आपके पास कंप्लीट फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस है As long as it does not infringe upon public order. राइट पब्लिक ऑर्डर मतलब अगर मैं अपने रिलीजन के नाम पे पब्लिक ऑर्डर को नहीं हार्म कर सकती कि मैं हल्ला गुला क्रिएट करूँ बहुत ऊंची ऊंची लाउड म्यूजिक बजाऊँ पूरी सोसाइटी के अंदर नॉइज पोल्यूशन से फॉर एग्जाम्पल फैलाऊँ या फिर किसी भी तरह से इंसाइट करूँ वायलेंस या किसी भी तरह की यू नो राइट लाइक कंडीशंस को राइट right? ये जो है अलाउड नहीं है साथ ही में मोरालिटी एक जो हमारी मोरालिटी है एंड वेरी इंपॉर्टेंटली यहाँ पे जो मोरालिटी है उसके साथ बहुत लोगों ने एसोसिएट किया है दी आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को राइट तो ये है कहते हैं हमेशा नॉट जस्ट पब्लिक मोरालिटी बिकॉज पब्लिक मोरालिटी तो कई चीजों को जस्टिफाई करेगी राइट सो फॉर एग्जांपल अगर हम पब्लिक मोरालिटी को लेके चले तो कई कई रिलीजन्स के अंदर जो एक बिलीफ होती है इन सुपरस्टिशंस या ब्लैक प्रैक्टिसेस या विमेन को विच क्राफ्ट के लिए इन्वॉल्व करते रहते हैं तो वो तो जस्टिफाई करते क्योंकि पब्लिक मोरालिटी कह रही है ये सही है नहीं यहां पे बात आती है किसकी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की भी ठीक है ए ऑन वन लेवल जो पब्लिक मॉरल्स डिसेंसी हेल्थ है उसको तो का ना ही हार्म करें राइट इन द सेंस के आप किसी भी तरह से पीपल डिसाइड टू सडनली गो हैड एंड बी न्यूड इन द मिडल ऑफ और रेजिडेंशियल एरिया और प्लेस वेदर ऑफ स्कूल्स व यंग चिल्ड्रन गो राइट तो वो पब्लिक मोरालिटी के अगेंस्ट होगा वो जेंडर एक सोसाइटी की मोरलिटी के अगेंस्ट होगा पर एट द सेम टाइम अगर हम एक लार्जर चीज़ के साथ एसोसिएट करें वो होगी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरलिटी राइट सो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि कुछ प्रैक्टिस जेंडर इक्वालिटी या वेमेन एम्पावरमेंट को कम्प्लीटली इम्पांज करती है तो क्या वो प्रैक्टिस सही होंगी नहीं होंगी लास्ट बट नॉट द लीस्ट हेल्थ को है तो जब हम बात करते हैं जो प्रेजेंट कॉन्ट्रोवर्सी भी चल रही है फॉर एग्जाम्पल जेनेटल म्यूटिलियन इन सर्टन कम्युनिटीज दिस कैन बी वेरी वेरी हार्मफुल फॉर दी हेल्थ ऑफ द कंसर्न विमेन बिलोंगिंग टू दैट कम्युनिटी तो एक साइड पे तो वो रिलीजियस प्रैक्टिस है पर दूसरी ही साइड पे वो पब्लिक हेल्थ पर्टिकुलरली वुमेन हेल्थ को कितनी बुरी तरह से हार्म कर रही है हमने उसको भी मद्देनजर लेते हुए चलना है साथ ही में अपार्ट फ्रॉम दीज थ्री और अदर प्रोविजन इट इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजन ऑफ द पार्ट इसका मतलब क्या है इस पार्ट थ्री में बाकी जो फंडामेंटल राइट बचे अगर आपकी फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस उन फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन कर रही है तो भी उसके ऊपर कुछ रोक टोक लगाई जा सकती है है ना तभी हम बात करते कि फॉर एग्जाम्पल राइट टू एंटर हाजी अली या फिर सब साबरी मला को लेके जो कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है विमेन क्या आर्ग्यू कर रहे थे करती है कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स एंड अदर पार्ट इस पार्ट के अंदर जो अदर आर्टिकल्स में mentioned है चाहे वो आर्टिकल फोर्टीन हो जाए आर्टिकल फिफ्टीन हो जाए आर्टिकल नाइनटीन हो जाए वो इंश्योर करने के लिए मे बी यू विल हैव टू है आर्टिकल नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंटली स्टेट कोई भी लॉ बना सकता है जो कि रिस्ट्रिक्ट करेक एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद रिलीजन मतलब अगर रिलीजन कोई से टेंस में कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है फाइनेंशियल एक्टिविटी कर रहा है या कोई पोलिटिकल एक्टिविटी कर रहा है विच इज अ सेक्यूलर एक्टिविटी ये आपकी रिलीजियस प्रैक्टिस एसोसिएटेड नहीं है उसको भी रेगुलेट कर सकता है कौन जो आपका स्टेट है मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं टेंपल प्रमाइसिस में एक धर्मशाला भी चलाती हूँ तो उसका कोई लेना देना नहीं है रिलीजन से राइट right? वो धर्मशाला के अंदर जो बेड्स हैं उसके बदले में मैं कुछ पैसे कमा रही हूँ तो उसके ऊपर अगर कुछ रेगुलेशन करना चाहे स्टेट कोई नज़र डालना चाहे स्टेट वो कर सकते हैं वाई बिकॉज दैट इज़ अ सेक्युलर प्रैक्टिस नॉट एसोसिएटेड विथ रिलीजन ठीक तो है तो आपकी जो सेक्युलर एक्टिविटीज और रिलीजियस एक्टिविटीज हैं उनके अंदर एक बाइफिकेशन बना के स्टेट सेक्युलर एक्टिविटीज के अंदर कुछ लॉज बना सकता है उनको रेगुलेट करने के लिए लास्ट बट नॉट द स्टेट को पावर दी गई कि इन सर्टन कम्युनिटीज वह सोशल रिफॉर्म और सोशल वेलफेयर मेजर्स आर रिक्वायर्ड वहां पे भी स्टेट कुछ लॉज बना सकता है राइट सो फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ द मेन एस्पेक्ट हियर वॉज थ्रोइंग ओपन हिंदू टेम्पल्स राइट इंडिया में पर्टिकुलरली हिंदुइज्म में कास्ट को लेके जितने बड़े सोशल ईवल्स है पॉसिबली कहीं और एक्सट नहीं करते राइट सो अनटचेबिलिटी के बेसिस पे टेम्पल के अंदर सर्टन कम्युनिटी सर्टन वॉलरेबल मार्जनालाइज कम्युनिटीज वांट अलाउड टू एंटर टेम्पल प्रोमाइजिस राइट तो ये इंश्योर करने के लिए कि इस तरह की छुआछूत या फिर अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस ना हो न्यूमरस स्टेप्स जो हैं वो लिए गए हैं शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के ऊपर किसी भी तरह की अट्रॉसिटीज ना हो उसके लिए लॉज बनाए गए हैं राइट right? तो so, ये सब करने का अधिकार स्टेट को प्रोवाइड किया गया है टू लुक इन टू द इशू ऑफ सोशल वेलफेयर एज वेल एज सोशल रिफॉर्म ठीक है तो एक ब्रॉड स्कोप में आर्टिकल 25 समझना जरूरी होता है अब इससे एसोसिएटेड हो जाता है द क्वेश्चन ऑफ इसेंशियल प्रैक्टिस डॉक्टरी राइट द आइडिया दैट सर्टन प्रैक्टिस आर इसेंशियल टू अर रिलीजियस वेर एज अदर प्रैक्टिस आर नॉन इसेंशियल टू द परफॉर्मेंस ऑफ द रिलीजन अब ये जो डॉक्ट्रीन है ये पहली बार बात की गई इसकी इन 1954 इन द वेरी फेमस शिरूर मठ केस जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला बैट हर रिलीजन के अंदर देर आर सर्टन प्रैक्टिस जो कि जेन्यूनली कनेक्टेड कनेक्टेड होती है टू वंस कॉन्शियंस वंस बिलीवस वन रिलिजन वेर आर देर आर अदर प्रैक्टिसज विच आर नॉट डीपली कनेक्टेड विद रिलीजन या फिर वो लेटर ऑन डेवलप होके आई हैं एंड आर नॉट इन इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्टिकुलर फेथ और रिलीजन राइट तो ये जो डॉक्ट्रीन है इसी चीज पे फोकस करती है किस तरह से हम डिफरेंशियट कर सके बिटवीन मैटर्सिज एंड नहीं करते बट अदर चीजों के साथ कंसर्न है इनफैक्ट दैट वॉज समथिंगल ट्वेंटी जहां पर हमने बोला कि स्टेट के पास पावर है एज फार एस सेक्युलर एक्टिविटीज इवन वेन कनेक्टेड विद रिलीजन आर कंसर्न स्टेट उनके रिगार्डिंग लॉ बना सकता है बट नॉट विद रिस्पेक्ट टू इसेंशियल रिलिजस चीज़ें जो कि इंट्रेंसिकली एक एक, एक इंसान की फेथ एक इंसान के रिलिजन का हिस्सा है अब ये जो इसेंशियल प्रैक्टिस डॉक्ट्रीन थी इसके टाइम एंड अगेन न्यूमरस जजमेंट्स आए हैं और इन न्यूमरस जजमेंट्स में क्या कोशिश की गई सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये कोशिश की गई दैट इन द डाइवर्सिटी ऑफ रिलीजन दैट एग्जिस्ट एंड मैनी फोल्ड वेरीड प्रैक्टिस जो कि डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज फॉलो करती हैं इन in इंडिया उनमें से कौन सी ऐसी प्रैक्टिस हैं जो कि इसेंशियल है फॉर द एग्जिस्टेंस फॉर द प्रैक्टिस ऑफ दैट रिलीजन वेर एज कौन सी ऐसी प्रैक्टिस हैं जिनको इस तरह की प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं होनी चाहिए बिकॉज दे आंट इंट्रेंसिक टू दैट पर्टिकुलर रिलीजन ठीक है तो हम न्यूमरस एग्जाम्पल्स यहाँ पे कोट कर सकते हैं तो फॉर एग्जाम्पल 2004 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट आई थी सुप्रीम कोर्ट की जहाँ पे उन्होंने बोला कि जो टांडव डांस है राइट टांडव डांस जो कि पब्लिकली एंड कैरी करते हुए कुछ यू uh, नो you know, कुछ रिलेटेड पैराफ्रिनेलिया आनंद मार्गीज ने बोला था ये इसेंशियल है टू आर सेक्ट हाउ सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिनाई किया एंड कहा दैट नहीं तांडव इज नॉट एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस अमंगरली 2016 के अंदर एक बहुत बड़ा केस उभर के आया था वेर एन मुस्लिम एयरमैन वॉज डिस्चार्ज फ्रॉम द एयर फोर्स फॉर कीपिंग अ बियर्ड एंड दिस मैटर कंसर्न रेगुलेशन फोर ट्वेंटी फाइव ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस जो कि कहते हैं कि आप कंप्लीटली प्रोहिबिटेड हैं बाई दर्म फोर्सेस अगर आप आर्म फोर्सिस पर्सन एल है अगर आप कोई ऑफिसर है सर्व कर रहे हैं फ्रॉम क्रीपिंग एनी सॉर्ट ऑफ हेयर ठीक है तो नाइन फोर का जो है, ये rules है, ये law है जो कि कहता है आप हेयर नहीं रख सकते अपने फेस पे अनलेस आपका रिलीजन जो है आपको प्रोहिबिट करता है फ्रॉम कटिंग ऑफ हेयर और शेविंग ऑफ फेस जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सिखिजम में है राइट दैट इज वाई सिक्स इन द आर्मी आर अलाउड टू कीप अर्ड एंड अलाउड टू वेर अ टू अपन तो इसी केस के चलते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया दट कीपिंग अ बियर्ड इज नॉट एन असेंशियल प्रैक्टिस इन इस्लाम एंड देफो दैट मैन कुड भी डिस्चार्ज ठीक है ट्वेंटी सेवेंटीन में अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट केस आता है विच वॉज द शायरा बानो केस जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने यह डिक्लेयर किया कि जो ट्रिपल तलाक है इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है इस्लाम की इनफैक्ट द हनीफी स्कूल ऑफ थाट विद इन इस्लाम जिसके अंदर ये प्रैक्टिस फॉलो की जाती है वो खुद ही अहनीफ़ी स्कूल भी इसको एज अ सिन डिक्लेयर करता है एंड इसी के चलते हुए ट्रिपल तलाक को उन्होंने बोला ये इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं मानी जा सकती एंड डेफो प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 25 इसको नहीं दी जाएगी

मुस्लिम विमेन एज वेल एज दुम जिनके प्रॉपर्टी uh, हैं है। ये जो इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस की डॉक्ट्रीन है डिस्पाइट द फैक्ट की टाइम एंड अगेन इसको क्लैरिफाई करने की कोशिश की गई है देर इज इंट होलिस्टिक क्लैरिटी on what constitutes an essential practice and what doesn't जिसके कारण अ नंबर ऑफ क्रिटिसिज्म ऑफ दिस डॉक्ट्रिन हैव कम अप फ्रॉम वेरियस क्वार्टर्स सबसे पहले तो एक जो पहला क्रिटिसिज्म आता है ये कहते हैं पहले तो जो इंटेंट था इस टेस्ट का वही अब चेंज हो गया है ये बोलते 1954 में टेस्ट बनाया गया था टू डिस्टिंग्विश एक्टिविटीज व्हिच आर प्योरली रिलीजियस इन नेचर एंड एक्ट

सेकेंडली एंड वेरी इंपॉर्टेंटली एक जो क्रिटिसिजम आता है बाई न्यूमर ऑफ स्कॉलर्स राइट विद रिस्पेक्ट टू दिस डॉक्टरी चाहे वो फैजान मुस्तफ़ा हो जाए जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है राजीव भार्गव हो जाए ये सब क्या कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का काम है लॉ को कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना और रिलीजन एंड रिलीजियस एक्टिविटीज को डिसाइफर करना कि कौन सी रिलीजियस एक्टिविटी इसेंशियल है और या फिर नहीं है इज नॉट समथिंग दैट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स आर सपोज्ड टू डू ज अ थियोलॉजिकल एक्सरसाइज ये रिलीजियस एक्सरसाइज है सो पीपल हुटेड विद द रिलीजन दे विल नो बेटर राधा दिन आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट एंड जजेस को यह काम दे रहे हैं कि आप इन पर डिसाइड कीजिए डिस्पाइट द फैक्ट उनके पास एडिकुएट नॉलेज नहीं होगी इन दिस रिगार्ड

बात करते हैं अनटचेबिलिटी की रिलेटेड थी फ्रॉम द वेरी आइडिया ऑफ कास्ट हेरारकी जहां पर उन्होंने एक हेरारकी ऑफ कास्ट बना दी थी कि जी ये लोग जो है ऊपर है ये लोग जो है नीचे है एंड ये लोग तो बियॉन्ड द हेरारकी ही है जिनके अगेंस्ट हम अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करेंगे तो इंडिपेंडेंट नहीं थी बल्कि रिलेटेड थी फ्रॉम दी अदर एलिमेंट आल्सो सिमिलरली बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस होती हैं जो कि रूटेड या इंटरकनेक्टेड होती है फ्रॉम अदर प्रैक्टिसेस सो टू डिसाइफर दैट दिस वन इज रॉन्ग एंड दिस वन इज करेक्ट एंड नॉट रियली अंडरटेक अ होल हार्टेड और फुल फुलजड रिफॉर्म ऑफ द रिलीजन इज समथिंग विच इज वेरी वेरी डिबेटेबल ठीक है तो ये चीज़ जो है फैजान मुस्तफा जी पॉइंट आउट करते हैं अब वॉट कैन बी द वे आउट ठीक है इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस हमने जो है इवॉल्व uh, करने की कोशिश की क्योंकि हम बैलेंस करना चाहते थे कि रिफॉर्म्स uh, भी होते रहे रिलीजन के अंदर बट एक जो हमारी फ्रीडम ऑफ रिलीजन हमें गारंटी की गई है एक जो पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है वो भी चलता रहे ना व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड यहाँ पे गौतम भाटिया एंड सूरज पार्था साथ ही एक हिंदू के आर्टिकल में बहुत ही बढ़िया चीज़ लिखते हैं और वो कहते हैं कि सर्टन वेज कैन बी डिवाइज टू इंश्योर अ बैलेंस बिटवीन रिफॉर्म इंश्योरिंग इक्वालिटी एज वेल एज इंश्योरिंग फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड कॉन्शियस राइट तो पहली चीजें क्या बोलते हैं वो बोलते हैं जिस तरह से आप इसेंशियल रिलीजियस डॉक्टर को प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड डिसाइड कर रहे हैं वेदर अ प्रैक्टिस शुड बी डीम्ड एज इसेंशियल और नॉट वो कहते हैं आप पहले देखिए क्या इम्पैक्ट होगा उस प्रैक्टिस का एंड असर्टन कीजिए वेदर द प्रैक्टिस ऑफ दैट एक्ट रेमरी और एक्ट वो किसी भी तरह से हार्म पहुंचाएगा इंडिविजुअल राइट या डिग्निटी को राइट फॉर एग्जाम्पल बहुत बड़ी एक कॉन्ट्रोवर्सी उभर के आई थी विद रिगार्ड टू अ प्रैक्टिस कॉल्ड मदे स्नाना इन दक्षिण कन्नड़ा का एक सुब्रमण्य टेम्पल है वहाँ पे राइट जहाँ पे बहुत सारे दलित एक्टिविस्ट ने इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया था प्रैक्टिस क्या थी कि प्लांटिंग लीव्स जो होते हैं उनके ऊपर जो लेफ्ट ओवर प्रसाद है ईटन बाय ब्राह्मण्स उसके ऊपर बेसिकली मेंबर्स बिलोंगिंग टू दलित कम्युनिटीज यूज्ड टू रोल ओवर एज अ मेथड ऑफ प्योरिफाइंग एक बहुत ही कास्टिस्ट बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस थी ये जो कि इंडिविजुअल डिग्निटी को हार्म करती थी राइट तो कितना बड़ा हार्म है ये तो ऐसी प्रैक्टिसेस जो है क्वेश्चनेबल है सिमिलरली अगर हम बात करते हैं विमेन राइट्स की है ना तो विमेन राइट्स में जब हम एसोसिएट करते हैं सबरीमाला का इशू या फिर फीमेल जेनिटल म्यूटिलियशन का इशू वो इंडिविजुअल डिग्निटी के ऊपर जो है बहुत बड़ा क्वेश्चन रेस कर देता है

भी आप इसेंशियल रिलीजियस डॉक्टरी को इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं आप कोशिश कीजिए कि कभी भी पावरफुल कम्युनिटीज किसी भी तरह से exempt ना कर पाए किसी भी मेंबर को फ्रॉम फेयर एंड इक्वल ट्रीटमेंट राइट सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम हिंदुज्म की बात करें तो पीपल बिलोंगिंग टू सर्टन मार्जनलाइज कास्ट ग्रुप्स राइट विमेन की अगर हम बात कर सकते हैं वेरियस रिलीजियस ग्रुप्स में हिंदुइज्म में इस्लाम में क्रिस्टियानिटी में पारसी uh, उसके अंदर भी जहाँ पे विमेन के अगेंस्ट कई प्रैक्टिस जो हैं बहुत ही बुरी प्रैक्टिस हैं वाई बिकॉज वो लीडर्स टू कंट्रोल विमेन उन्होंने वो बना दी प्रैक्टिस ठीक है तो वो कहते हैं इन चीज़ों का भी आपने ख्याल रखना है लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट हो सकता है दैट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी दैट डज द प्रैक्टिस ऑफ दिस पर्टिक्यूलर रिलीजियस सेरेमनी और एक्ट इन एनी वे गो अगेंस्ट दिस ब्यूटिफुल आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरलिटी दैट इज़ द एथिक्स द स्पिरिट द वैल्यूज जो कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्राइंड है द वैल्यूज ऑफ इक्वालिटी द वैल्यूज ऑफ डिग्निटी द वैल्यू ऑफ रिटर्निटी द वैल्यू ऑफ जस्टिस अगर वो किसी भी तरह से इनका उल्लंघन कर रहे हैं दैट मीन्स दैट इट इज़ टाइम टू री थिंक दैट प्रैक्टिस राइट अनदर इशू जो कि इसके साथ एसोसिएटेड है कि किस तरह से हम लिंक कर सकते हैं इसको टू द आइडिया ऑफ द यूनिफॉर्म सिविल कोड अब हमें पता है डायरेक्टिव ऑफ स्टेट पॉलिसी जो कि एक गोल एक विजन सेट करता है फॉर द इंडियन स्टेट टू अचीव उसके अंदर आर्टिकल 44 में लिस्टेड आउट है कि स्टेट दैट इज द इंडियन स्टेट इंडिवर करेगा सिटीजन के लिए सिक्योर करना एक यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया so a lot of people who are supporting this move to ban hijab unka kehna hai that this may be seen as a step towards ensuring the ucc however professor fazan mustafa a constitutional expert he says that when you analyze the idea of uniform civil code particularly just understood hai within the constitution there are certain things that we should be really यू नो प्लेइंग अटेंशन टू सबसे पहले वो कहते हैं कि यूज़ वर्ड यूनिफॉर्म है ना उन्होंने बोला कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने द टर्म यूनिफॉर्म यूज किया एंड नॉट द टर्म कॉमन कॉमन का क्या मतलब होता है कि एक कॉमन लॉ बना दिया जो कि सबके लिए सेम है हर कम्युनिटी के लिए हर सेक्ट के लिए सबके लिए सेम है

तो हिंदूज के ऊपर एक सिंगल लॉ एप्लीकेबल होगा विदाउट एनी डिस्क्रिपेंसी सिमिलर फॉर इस्लाम सिमिलर फॉर क्रिश्चियन सिमिलर फॉर एंड सो सो ऑन नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंटली वो कहते हैं जब हम सिविल की बात कर रहे हैं सिविल बेसिकली टू पर्सनल पर्टिकुलरली ऐसे एक्शन जो कि आपके पर्सनल डोमेन से लोकेटेड है तो जैसे कॉन्ट्रैक्ट का आइडिया हो गया सेल का आइडिया हो गया परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का आइडिया हो गया इनफैक्ट देर आर ऑलरेडी अ नंबर ऑफ सिविल लॉज जो कि यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं इन दीज एरियाज यूनिफॉर्मली जो अप्लाई करते हैं चाहे वो सेल ऑफ गुड्स की बात हो प्रॉपर्टी की बात हो न्यूमरस एरियाज में ऑलरेडी ऐसे लॉज एग्जिस्ट कर रहे हैं

तो मतलब एक यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर भी देर कैन बी अ नंबर ऑफ लेजिस्लेश और अ नंबर ऑफ लॉज पर टू डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज

इंटरप्रिटेशन फैजान मुस्तफा ने की है कि आप क्या कीजिए हर कम्युनिटी के जो पर्सनल लॉज है उनको कोडिफाई कर दीजिए एक यूनिफॉर्म लॉ फॉर अ पर्टिकुलर कम्युनिटी ताकि वो जो इंटरनल डिस्क्रिपेंसीज विद इन अ कम्युनिटी का लॉ है वो सब सॉर्ट आउट हो जाए एंड एक यूनिफॉर्मिटी आ जाए रादर देन अ नंबर ऑफ लॉज विद इन कम्युनिटीज जो कि एग्जिस्ट करते हैं वेरी इम्पॉर्टेंटली वो यहाँ पे क्या कहते हैं कि एक बार वेरियस प्रैक्टिस कस्टम्स रिलीजन से एसोसिएटेड जो है कोडिफाई हो गई तो ये रादर देन जस्ट कस्टम्स और रिलीजन ये लॉ बन जाएंगी अंडर आर्टिकल थर्टीन ऑफ इंडिया विच मीन्स वॉट कि अगर आर्टिकल 13 के अंडर ये आ गई हैं तो इनको क्वेश्चन भी किया जा सकता है अगर ये उल्लंघन करती हैं किसी भी फंडामेंटल राइट right का देन वेरी इंपॉर्टेंटली लॉ कमीशन ने सजेस्ट किया है कि यूसीसी जिसकी हम बात करते रहते हैं एट द प्रेजेंट स्टेज इंडिया के लिए ना ही ये डिजायरेबल है ना ही ये नेसेसरी है इनफैक्ट फॉर्मर जस्टिस ए पी शाह एक बहुत ही बढ़िया बात कहते हैं वो कहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने एनविसेज किया था हमें उस स्पिरिट में समझने की जरूरत है मतलब ये यूसीसी ऐसा एक बहुत ही कॉन्क्रीट बहुत ही ज्यादा लीगल झार्ड में डूबी हुई चीज ना हो रादर इट शुड सेलिब्रेट द डायवर्सिटी ऑफ इंडिया इन विच दिस कोड इज मेड बायर फ्रीली फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट पर्सनल लॉजिस्ट करते हैं एंड साथ ही में वेरी इंपॉर्टेंटली इंश्योरिंग द मेन थिंग कि आप कम्युनल एस्पेक्ट पे फोकस करने से ज़्यादा जो कुछ इश्यूज हैं उनको रिमूव करने की कोशिश कीजिए दैट इज़ जेंडर इक्वालिटी को इंश्योर करने की कोशिश कीजिए कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को हटाने की कोशिश कीजिए इंडिविजुअल डिग्निटी को इंश्योर करने की कोशिश कीजिए बाय रिमूविंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल इनकन्सिस्टेंसीज जो कि इन पर्सनल लॉज के अंदर एग्जिस्ट Right? So, this has been envisaged as the way to go, which will be better rather than applying a uniform standardized law which might not be acceptable to any community, minority or majority in. इंडिया राइट तो ये जो है लार्जर डिबेट्स इनके ऊपर समझना और ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है राइट सो लास्टली एज एन असाइनमेंट आई वुड वॉन्ट के कमेंट्स के अंदर आप डिस्कस कीजिए द रेलिवेंस ऑफ यूसी फॉर इंडिया टुडे द एडवांटेजेस एंड डिस एडवांटेजेस ऑफ अप्लाइंग द सेम फॉर द कंट्री राइट सो दिस इज ऑल फॉर टुडे थैंक यू एंड कीप वॉचिंग स्लीपी क्लासेस साथ ही साथ में डोंट फिरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकॉन